हेलो फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं जब दो पोल इरेक्ट करते हैं हम तो दोनों के बीच की दूरी 5 फीट होनी चाहिए। अब मेरे कहने का अर्थ ये है कि दोनों पोल के बीच की दूरी यानी कि सेंटर टू सेंटर। अब सेंटर टू सेंटर कैसे लेंगे, ये जो पोल हो गया वहाँ पे जो हाथ रखा गया है जो वो इंडिकेट कर रहा है वहाँ पे पहला किनारा दूसरा किनारा, ठीक है। तो जब भी मेजरिंग टेप लेना होगा तो फर्स्ट पोल के अगर फर्स्ट किनारे से हम मेजरिंग टेप पकड़ते हैं तो सेकंड पोल के सेकंड किनारे पे पकड़ेंगे, हाँ, तो वो सेंटर टू सेंटर हो गया। अगर फर्स्ट पोल के सेकंड एज को मेजर करते हैं तो सेकंड पोल के सेकंड एज का किनारा होगा तो वो हो गया सेंटर टू सेंटर। तो इसका मेजरमेंट 5 फीट होनी चाहिए। जब भी हम पोल इरेक्ट करवा रहे हैं डीपी तो सेंटर टू सेंटर 5 फीट की दूरी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आरईसी स्टैंडर्ड के हिसाब से, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, उसके हिसाब से 5 फीट की दूरी होनी चाहिए। डीपी के नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो जहाँ पे इंडिकेशन आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं बारबेड वायर या एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस। और जो फिट किया हुआ है बारबेड वायर, जिस क्लैंप के थ्रू फिट किया हुआ है उसको बोलते हैं बारबेड क्लैंप। ये ऊपर रनिंग लाइन के सिक्योरिटी रीजन से यूज़ किया जाता है ताकि किसी को शॉक ना लगे या फिर ऊपर कोई चढ़ के डैमेज ना कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए बारबेड वायर का यूज़ किया जाता है। बारबेड वायर के बाद हम आगे ऊपर चलते हैं तो वो जहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है वो दिखा रहे हैं तो उसको बोलते हैं बेल्टिंग चैनल। बेल्टिंग चैनल के ऊपर जो आप क्रॉस देख रहे हैं, क्रॉस टाइप का दो चैनल है, उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रेसिंग। ये बेल्टिंग चैनल नीचे और ऊपर बीच में क्रॉस ब्रेसिंग ये एक दूसरे में फिट किए जाते हैं ताकि ये जो पोल डीपी है उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बनी रहे। उसके बाद ऊपर चलते हैं, सबसे टॉप पे जो दो चैनल लगा हुआ है उसको टॉप चैनल बोलते हैं, जिससे राउंड तीनों फेज में राउंड टाइप का इंसुलेटर लगा हुआ है उसको डिस्क इंसुलेटर कहते हैं। 11 केवी के लाइन में 45 kN का किलो न्यूटन का डिस्क इंसुलेटर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो टॉप चैनल के ऊपर देखते हैं कि डॉटेड टाइप का इंसुलेटर लगा हुआ है, उसको बोलते हैं पॉलीमर इंसुलेटर। कहीं कहीं आपको पिन इंसुलेटर भी मिल जाएगा। उसके बाद उस डीपी को स्टैंडिंग पोजीशन में, स्टैंड बाई पोजीशन में रखने के लिए सपोर्ट का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं स्टेज सपोर्ट। और टोटल जो उसमें अपरेटस लगे हुए होते हैं उसको बोलते हैं स्टेज सेट अरेंजमेंट। अब स्टेज सेट अरेंजमेंट में क्या क्या आता है हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। इसको बोलते हैं स्टे रॉड, ऊपर बढ़ा। और ये जो तार देख रहे हैं उसको स्टे वायर बोलते हैं। बीच में जो इंसुलेटर लगा हुआ है, बीच में ये जो इंसुलेटर लगा हुआ होता है उसको गाय इंसुलेटर कहते हैं। और ऊपर चलते हैं, ऊपर जो कर्व टाइप का जो रॉड है उसको बोलते हैं एंकर रॉड। उसके साथ एक और रॉड लगा हुआ है उसको बोलते हैं आई रॉड, ठीक है। इसके बाद किसी दो वायर को कनेक्शन उसको ऐड करने के लिए आपको यहाँ सीधे सीधे दिख जाएगा, टॉप चैनल के ऊपर दो तार जोड़ा हुआ है तो उसको पीसी क्लैंप बोलेंगे। पीसी क्लैंप के थ्रू वो उसको जोड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी जो पॉलीमर इंसुलेटर जिस पे खड़ा है उसको बोलते हैं फिश प्लेट। तो ये है, ये था पूरे डीपी का अपरेटस का नाम। बाकी 90% आपका कवर हो चुका है। बाकी जो क्लैंप का डिस्क्रिप्शन होगा हम अगले वीडियो में उसको डाल देंगे। थैंक यू सो मच।